बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। ऑल मेटाबॉलिक पाथवे दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द अदर फील्ड ऑफ साइंस। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं लिविंग बॉडी के अंदर, तो ये हमारे पास अदर फील्ड ऑफ स्टडी को फॉलो कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर या अदर लिविंग बॉडी के अंदर, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं और इससे लार्ज बन जाते हैं, तो इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जब लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सम ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हमारे साथ, सबसे पहला है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फेनोमेना एंड प्रॉब्लम यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ द फिज़िक्स। जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है बायोलॉजी के और फिज़िक्स के दरमियान, तो ये हमारे पास फिज़िक्स हमारे पास बायोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजी, बायोनर्जेटिक्स, न्यूरोसाइंसेस। तो बायोनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है हमारे पास न्यूरोसाइंसेस और फार्माकोलॉजी। तो जितने भी ड्रग्स बन जाते हैं या न्यूरोसाइंस है ब्रेन के लिहाज से, तो ये सारे हमारे पास फिजिक्स के रूल को अप्लाई करते हैं। इसके बाद है फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास लॉ ऑफ फिजिक्स को अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के जो लीव्स है इसके अंदर स्टोमेटा स्कैटर्ड है। तो जब इस स्टोमेटा को हम मैग्नीफाई करते हैं, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी के अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं और इस मेसोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। तो जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आकर इस वेट सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड हो जाते हैं। जब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुकम्मल कर देता है। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ द कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोसेसेस है या सब्सटेंसेस बन जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर या अदर लिविंग बॉडी के अंदर, तो ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं। सो इट मेक स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक अप सेल एंड दोज दैट प्ले अ की रोल इन केमिकल रिएक्शन। या तो सेल बन जाता है या वो पूरा सेल केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाते हैं। सो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके वेट सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, तो और इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। तो इस क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट पराग तैयार करते हैं, तो C6H12O6 बन जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ये एक रिएक्शन है, तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। इसके बाद है बायोजियोग्राफी। सो बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टाइम एंड स्पेस। हमारे पास ये दुनिया है, इसमें हमारे पास ये न्यूट्रॉपिकल रीजन है, यह नियार्टिक रीजन है, ये पेलियार्टिक रीजन है, ये है हमारे पास ओरिएंटल रीजन है,
ये हमारे पास इथियोपियन रीजन है, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया के अंदर, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर पेलियार्टिक रीजन में ऑर्गेनिज्म है या नियार्टिक रीजन में ऑर्गेनिज्म है, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो इस स्टडी को हम बाय जियोग्राफी में स्टडी करेंगे। इसके बाद है बाय स्टैटिस्टिक्स। तो बाय स्टैटिस्टिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फिनोमेना। इसके बाद है बाय स्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। सो बाय स्टैटिस्टिक्स इज़ इन्वॉल्व द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला इन बायोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिसर्च कर रहे और हम फाइंड कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में कितने मलेरियल पेशेंट हैं, तो हम मैथमेटिकल फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। सो बायो इकोनॉमिक्स इज़ द कोरिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बायो इकोनॉमिक्स में बायोलॉजिस्ट कंपेयर करते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स।